अगर आप पूड़ियाँ खाने का शौकीन है तो मुझे लगता है मेरे इस पूड़ी की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं, एक साथ बनाते हैं ये मज़ेदार पूड़ी की रेसिपी। सो वेलकम बैक टू अनदर डे इन टू माई चैनल। मैं निहारिका आप सभी का बहुत सारा स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे। तो यहाँ पे मैंने लिया है छेना। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम दूध को छेना बना लिया था और उसी छेने पे मैंने यहाँ पे ऐड कर रही हूँ लगभग एक चम्मच सूजी यानी रावा, और साथ ही साथ में यहाँ पे दिया है एक पिंच सॉल्ट यानी नमक, दिया है थोड़ा सा कसूरी मेथी और थोड़ा सा मैंने दिया है शक्कर, हाफ चम्मच से भी कम दिया है गरम मसाला, उतना ही हरा मिर्चा पाउडर और दिया है थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। बस अच्छे से पहले इस तरह से मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ड्राई मिक्सिंग के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी देके एक सॉफ्ट सा डो में इसको तैयार कर लूँगी। तो बहुत थोड़ा सा ही मैंने पानी ऐड किया है क्योंकि सूजी जो है वो ड्राई है, तो उसको अगर छेना के साथ मिक्स करना है तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर लेना ही है। तो अभी मैं हाथ से कर रही हूँ और मुझे लगता है इस तरह का जो मिक्सिंग है वो हाथ से ही आसानी से होता है। तो मैं मिक्स कर लेती हूँ पहले थोड़ा सा, और मिक्स करने के बाद इसको मैं साइड करके रख दूँगी। यहाँ पे मैंने लिया है गेहूं का आटा और गेहूं के आटे के ऊपर मैंने दिया है थोड़ा सा अजवाइन, और मैं दे रही हूँ थोड़ा सा अनियन सीड यानी कलौंजी, और यहाँ पे है थोड़ा सा आम का पल्प। आम को मैंने अच्छे से निचोड़ के मिक्सी में घुमा लिया था और उसका एक पल्प रेडी कर लिया था, तो वही मैंने ऐड कर दिया है। अभी क्या करना है, अभी हमको अच्छे से आटे को मलना है, लेकिन इस पे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपको ज़्यादा ड्राई लगता है तो थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था। मैंने यहाँ पे 300 ग्राम गेहूं का आटा लिया था और उसके साथ दो आम लिया था, मीडियम साइज़ का दो आम। तो आप देख सकते हैं मेरा जो डो है वो अच्छे से रेडी हो गया है, मैंने बिल्कुल भी पानी इस पे ऐड नहीं किया है। तो अभी मैं इससे थोड़ा सा छोटा छोटा पेड़े बना लेती हूँ, जिस तरह से हम पूरी के लिए पेड़े बनाते हैं उसी तरह से। तो यहाँ पे पेड़े मेरे रेडी है। अभी हाथ पे मैंने थोड़ा सा तेल ग्रीस कर लिया है और अभी मैं एक पॉकेट बना रही हूँ, और इस पे मैं ऐड करूँगी जो हमारा छेना का स्टफिंग बना के रखा था हमने वो, और हम इसको सील कर देंगे। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा छेना लिया है और इसका जो मुंह है अच्छे से सील कर देते हैं। एक एक करके मैं सारा कर लेती हूँ, बहुत इजी है बनाना, बस और कुछ नहीं। और इस रेसिपी को आप चाहे तो आलू के सब्ज़ी के साथ खा सकते हैं या फिर आप दाल के साथ भी ये खा सकते हैं, ये उतना ही बढ़िया लगता है। तो पहले मैं एक एक करके बना लेती हूँ सारा। तो अभी हमको इनको बेल लेना है। थोड़ा सा तेल मैंने बेलन के ऊपर ग्रीस किया है और धीरे धीरे करके प्रेस करके हम बेल लेंगे।
तेल बिल्कुल गर्म है अभी, तो एक एक करके मैं इनको तल लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा पूरी जो है वो अच्छे से फूल गया है, और मैं अभी इनको निकाल देती हूँ। पूरी जो है वो ना तो पतला ना तो मोटा बेलना है हमें, और इसी तरीके से अगर बेलेंगे तो ये अच्छी तरीके से फूल भी जाएगा। तो इसी के साथ मैं निहारिका आप लोगों से विदा लेती हूँ। एक नया वाला रेसिपी के साथ फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊंगी। टिल देन मेरे कृष्ण भगवान आप सबको सुखी रखे, संपन्न रखे। हरे कृष्णा टू ऑल।